शहपुर में पीडीएस का चावल लेकर टाटा 407 फरार। शहपुर में इन दोनों गरीबों के राशन को लेकर जमकर लूट की जा रही है। यही कारण है कि जहां राशन के दुकान संचालक गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं, जबकि गरीब जनता रोजाना राशन लेने के लिए राशन की दुकान के चक्कर लगा रही है। जहां सूत्रों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस के अवैध कारोबार का धंधा जमकर फल फूल रहा है। वहीं सूत्रों ने बताया कि 21 अगस्त 2022 के दरमियान रात को शहपुर के बड़ौदा से पीडीएस के लगभग 270 कट्टे चावल लेकर टाटा 407 रवाना हुई, जिसका मंडी बाईपास स्थित आशीर्वाद धर्मकांटे पर रात्रि 2 बजे के लगभग टोल करवाकर पारी रोड के रास्ते जयपुर के लिए रवाना हो गई। बता दें कि जयपुर में शगुन फूड कंपनी ने भी पीडीएस के माल को लेने से इनकार कर दिया, जहां 22 अगस्त को जयपुर पहुंची पिकअप 23 अगस्त 2022 की शाम तक जयपुर स्थित शगुन फूड कंपनी के गेट पर खड़ी हुई है। शहपुर फूड विभाग को लेकर आला अधिकारियों को मीडिया द्वारा सूचना दे दी गई, जहां अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। शहपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। उजागर हुआ है यहां से शहपुर से जो है चावल गया है एक 270 कट्टे के पिकअप में लोड होकर के, और जिसका आशीर्वाद ट्रांसपोर्ट कंपनी पर के वजन भी करवाया गया है, लेकिन मामला रात का था, इसलिए प्रशासन को चकमा देकर के ये जो पिकअप यहाँ से निकली है, जो आपके मामला मैंने आपको संज्ञान में भी दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो चावल राजस्थान गया हुआ है उसके संज्ञान में तो है, और चावल की जांच की जा रही है। अगर ये चावल पीडीएस का पाया जाएगा तो संबंधित जरूरत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।